दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे मिंत्रा कोटक क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट बात करूंगा और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप इसी वीडियो में अप्लाई करना भी सीखेंगे कि कैसे आप इस कार्ड को अपने मोबाइल फोन से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम एक एक स्टेप में समझेंगे कि अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो कौन कौन सा वो बेनिफिट है जो कि आपको देखने को मिलता है, क्या चार्जेज और फी एप्लीकेबल है अगर आप इस कार्ड को लेते हैं, हिडन चार्ज है या नहीं है। तो फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल पे आपने तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने अपने फोन के स्क्रीन को यहाँ पे शेयर किया है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आज मैं आपसे मिंत्रा कोटक क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट बात करूंगा और जिस प्लेटफॉर्म में ये कार्ड मेरे को मिल रहा है यहाँ पे आप देखेंगे यू आर प्री क्वालिफाइड, यानी इन्होंने लिखा है कि तुम इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो, तुम इस कार्ड के लिए क्वालिफाइड हो। यहाँ पे आप कार्ड का लुक और डिज़ाइन देख सकते हैं, मिंत्रा का ब्रांडिंग दिया गया है, कोटक का यहाँ पे ब्रांडिंग दिया गया है और ये जो कार्ड है यहाँ पे चीप बेस्ड कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, यानी दोस्तों ये कार्ड कॉन्टैक्टलेस नहीं होने वाला है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आज के मार्केट में कॉन्टैक्टलेस होते हैं जहां पे एनएफसी का सिस्टम मिलता है, आप कार्ड को टच करके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस कार्ड के अंदर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जिसका लाभ आप ले सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 7.5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है अगर आज के डेट में आप मिंत्रा पे कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इस कार्ड के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहाँ पे 7.5% इंस्टेंट आपका ऑफ किया जाएगा। साथ ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप करेंगे मिंत्रा में तो 1000 का मिंत्रा का गिफ्ट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। वही दोस्तों ऑनलाइन अगर आप कोई और भी प्लेटफॉर्म में जाके प्रोडक्ट को खरीदते हैं जैसे कि अमेजोन, मिंत्रा या आपका फ्लिपकार्ट हो गया, जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, कहीं पे भी आप परचेज करेंगे तो 1.5% का यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है और क्वार्टरली आप 4 लोन को आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी साल में 4 बार लोन एक्सेस कर सकते हैं और क्वार्टर में 1 बार एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस कार्ड के बारे में और भी डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 5% का कैशबैक अप टू 12,000 देखने को मिल जाता है, यानी अगर आप क्लियर ट्रिप हो गया, स्विगी, इंस्टामार्ट हो गया, अर्बन कंपनी हो गया, पीवीआर सिनेमा हो गया, स्विगी हो गया, इन सारे जगहों पे आप इस कार्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको अप टू 12,000 तक बेनिफिट मिलता है जहाँ पे आपको 5% कैशबैक देखने को मिलते हैं। अदर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल के सेक्टर में 1% का फ्यूल का सरचार्ज विवर आपको देखने को मिलता है जहाँ पे एनुअली 3,500 रुपया आप सेविंग कर सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे 50,000 या उससे ऊपर के ट्रांजेक्शन आप करते हैं अपने कार्ड का यूज़ करके तो पर क्वार्टर आपको 2 PVR का टिकट यहाँ पे ऑफर के तौर पे देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर आप इस कार्ड को सच में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 स्टेप में आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और 60 मिनट के अंदर आपका जो कार्ड है उसका अप्रूवल मिल जाता है और वर्चुअल कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा देर में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप में दोस्तों आपको अपना इंटर करना होता है डिटेल, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको रखना होता है। दूसरे स्टेप में आपको KYC कंप्लीट करना होता है और तीसरे स्टेप में दोस्तों आपका जो कार्ड है आपको एक्टिवेट करना होता है, जो डिजिटल कार्ड है आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप सच में अप्लाई करना चाहते हैं तो। वीडियो में और भी चीज़ों को आपको समझना बेसिक इंपॉर्टेंट है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कार्ड का जो फीस है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्ड का फीस रखा गया है क्योंकि जितने भी प्रीमियम कार्ड होते हैं उनका कुछ ना कुछ एनुअल फीस होता है। सो यहाँ पे ज्वाइनिंग फी आप देखेंगे 500 है और अनलॉक आप इसको कर सकते हैं मिंत्रा गिफ्ट वाउचर को, जो कि 1000 का मिंत्रा गिफ्ट वाउचर देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे जो चार्ज है 0 रिन्यूअल फी है ऑन एनुअल स्पेंड ऑफ 2 लाख और मोर, यानी आप 1 साल में 2 लाख रुपए या उससे ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं इस कार्ड का यूज करके तो जो आपका 500 रुपया एनुअल फीस है, जो आपका रिन्यूअल फीस है वो आपका माफ कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस कार्ड का मैक्सिमम यूज करेंगे तो आपको कोई फीस और कोई चार्जेस नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं जैसे कि FAQ में यहाँ पे दिया हुआ है हु कैन अप्लाई, तो 18+ आपका उम्र होना चाहिए, आप आराम से मिंत्रा कोटक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हाउ कैन आई एक्सेस माई डिजिटल कार्ड, यानी आप अपने डिजिटल कार्ड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो सिंपली ये जो प्लेटफॉर्म है मिंत्रा के ऐप से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। माई प्रोफाइल में जाना होगा, उसके बाद मिंत्रा कोटक क्रेडिट कार्ड का आपको सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे व्यू कार्ड बेनिफिट में आप क्लिक करके आपके कार्ड को बेनिफिट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए कार्ड के बेनिफिट के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, तो सीधा नीचे एक्सप्लोर ऑल बेनिफिट पर क्लिक करते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने बेनिफिट पे क्लिक किया है
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कार्ड बेनिफिट एंड पॉलिसी, उसके साथ साथ की बेनिफिट के बारे में चलिए हम एक एक करके आपसे बात करते हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को सच में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो सबसे नंबर वन पे दोस्तों यहाँ पे 7.5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि अनलिमिटेड डिस्काउंट होता है अगर आप मिंत्रा पे शॉपिंग करते हैं। और ये डिस्काउंट जो है कि रखा गया है 750 रुपये पर ट्रांजेक्शन, यानी आप जितने भी अमाउंट का प्रोडक्ट खरीदेंगे 750 रुपये से ऊपर अगर आपका कैशबैक चला जाएगा तो वहाँ पे 750 रुपये ही मैक्सिमम आपको कैशबैक देखने को मिलेगा पर ट्रांजेक्शन में। उसके बाद 1000 का आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है मिंत्रा का अगर आप पहला ट्रांजेक्शन करते हैं इस कार्ड का यूज़ करके। तो दो आपको सेगमेंट में मिलता है, सबसे पहला आपको 500 रुपये का वाउचर मिलता है जब आप कार्ड को एक्टिवेट करते हैं, और 30 डेज के अंदर आपको ये वाउचर मिलता है। दूसरा आपको वाउचर मिलता है 500 रुपये का जब आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं अपने मिंत्रा पे। तो दोनों कार्ड का जो वाउचर आपको सेपरेटली मिलेगा यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि 1.25% कैशबैक ऑन रुपए यूपीआई, यानी आप इस कार्ड का यूज़ करके कहीं पे भी यूपीआई के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको 1.25% का आपको इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिलता है। और कहाँ कहाँ पे नहीं मिलेगा, जैसे कि रेंट हो गया, वॉलेट का लोड हो गया, फ्यूल हो गया, ईएमआई हो गया, ये सारे चीज़ों में आपको कोई कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। अब एक और चीज़ को समझना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई कार्ड को तो अप्लाई कर लेता है और कैशबैक वगैरह भी अर्न कर लेता है, लेकिन जो उनको पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है, जैसे कि आप देखेंगे पार्टनर रिवॉर्ड एंड बेनिफिट यहाँ पे समझेंगे तो 5% का प्रीफर्ड पार्टनर ऑफर आपको मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप इस कार्ड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे स्विगी हो गया, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, पीवीआर सिनेमा हो गया, क्लियर ट्रिप हो गया, अर्बन कंपनी हो गया, यहाँ पे आपको 5% का एक्स्ट्रा एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और पर मंथ में आपका 1000 है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद साथ ही आपको 1.25% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है ऑन एवरी परचेज पे। जैसे कि दोस्तों अनलिमिटेड कैशबैक एवरी टाइम मिलता है आउटसाइड मिंत्रा और एक्सपेक्ट, यानी रेंट का, फ्यूल का, रिचार्ज का और ईएमआई, ये सारे सेक्टर में आपको एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का कुछ माइलस्टोन बेनिफिट है, जैसे कि क्वार्टरली, साल में 12 महीना होता है और एक क्वार्टर 3 महीना को बोलते हैं, तो 3 मंथ्स में अगर आप 50,000 का टारगेट कंप्लीट कर देते हैं ट्रांजेक्शन का तो 2 पीवीआर का सिनेमा आपको 250 रुपये तक का ऑफर देखने को मिलता है। साथ ही आपका जो एनुअल फीस है वो भी माफ़ कर दिया जाएगा, जो आपका 500 रुपये है। अगर आप इस कार्ड का यूज़ करके 2,00,000 रुपये या उससे ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका फीस माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही फ्यूल सरचार्ज वेवर में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज देखने को मिलता है, 300 रुपये मैक्सिमम पर मंथ रखा गया है और 3600 रुपये पर ईयर रखा गया है। तो यहाँ पे आपको फ्यूल के सेक्टर में भी बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। एक और बेनिफिट आपको मिलता है जहाँ पे दोस्तों आपको लोन एक्सेस करने की फैसिलिटी मिलती है, एक डोमेस्टिक लोन आप एक्सेस कर सकते हैं एवरी क्वार्टर में, और आप इसका बेनिफिट का आप लाभ ले सकते हैं। सो अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो इस कार्ड के बारे में कंप्लीट आपसे जानकारी ले ली है, अब आप हमें ये बताइए कि कैसे हम इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं बैक कर लेता हूं, और बैक करने के बाद दोस्तों हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मिंत्रा के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हूँ। नीचे आपको यहाँ पर आपका अकाउंट देखने को मिल जाता है, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिंत्रा कोटक क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सिंपली हम क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेना है किस में आपको अप्लाई करना है, किस नंबर से आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको परमिशन देना है। तो चलिए मैं परमिशन दे देता हूँ, उसके बाद सिंपली आपको नीचे अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों अप्लाई पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कोटक का यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो चलिए ओटीपी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं ओटीपी को सिंपली पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं पेस्ट कर चुका हूँ, उसके बाद वेरीफाई पे हम क्लिक करते हैं। सो अब दोस्तों यहाँ पे आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं, सबसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद KYC का डिटेल, उसके बाद गेट योर कार्ड। तो सिंपली आपको नीचे रिज्यूम पे क्लिक करना होता है, क्योंकि एक्चुअली मैंने एक बार ऑलरेडी क्लिक किया था तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो यहाँ पे सिंपली आपको रिज्यूम पे क्लिक करना है। चलिए ओटीपी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों मैं ओटीपी को फिर से पेस्ट करता हूँ, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे दोबारा वेरीफाई पे क्लिक किया है तो यहाँ पे अब आपके सामने एक नया यूज़र इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना होता है, जैसे कि आपका पैन कार्ड क्या है, आपका पैन कार्ड के नंबर कितना है, आपका आधार कार्ड पे बर्थ डेट कितना है,
ईमेल एड्रेस, जेंडर आप चूज कर लेंगे, उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना होता है। अब देखिए, जैसे ही आप ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं, दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको अपना केवाईसी करना होता है। उस समय आपको बस पैन कार्ड और आधार कार्ड रखना होगा, उसी के माध्यम से आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट होता है, उसके बाद कंपनी आपसे ये पूछती है कि आप क्या करते हैं। जैसे कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जॉब या बिजनेस से रिलेटेड आपको अपना डिटेल सबमिट करना होता है। जैसे ही आप अपना डिटेल सबमिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट का जो आपका लिंक होता है आपके पैन कार्ड से, उसी से फेच किया जाता है कि आप कार्ड लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप कार्ड लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है कितना आपको लिमिट मिलेगा। आपको SMS पे भी दिखाया जाता है, आपको ईमेल पे भी दिखाया जाता है। एक बार दोस्तों आपको अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद सिंपली आप वहाँ पे फिजिकल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके आधार कार्ड के एड्रेस पे फिजिकल कार्ड 8 से 10 दिनों के अंदर पे आपको रिसीव हो जाता है। सो अगर आप सच में इस कार्ड को लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपको मिंत्रा के एप्लीकेशन से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का अलग से लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां पे आप क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको जितना भी लिमिट मिलता है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ये क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी होगा, आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं आपके पास कितना लिमिट है। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है इस कार्ड के बारे में। और आगे भी फर्दर आप मेरे इसी तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।